नमस्कार साथियों साथियों, आज ये वीडियो आपसे हाथ जोड़कर बनानी पड़ रही है। एक हमारे बुजुर्ग हैं, अजीज मित्र हैं, राजन वर्मा जी, जिनकी उम्र है 71 साल और वो सेक्टर 13 रोहिणी में रहते हैं। उनके साथ क्या तकलीफ है, इस समय किस दौर से वो गुजर कर रहे हैं, आप उनकी जुबानी सुनिए एक बार। डॉक्टर अमिता धीर ने, जो सर्जन है एम्स में, उन्होंने मेरा पैर देखा था, हड्डी टूटी हुई देखी थी और मुझे ये कहा था कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल बंद है, जब हॉस्पिटल खुल जाएगा तो आपको आपका ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। मगर कोरोना वायरस की वजह से सब हॉस्पिटल बंद है और मेरी दर से प्राण निकल रहे हैं। दिन में चार चार छः छः पेन किलर खा रहा हूँ मैं और हड्डी गलती जा रही है, पैर खराब हो रहा है, मेरी कोई मदद करो। इसको सुनने के बाद में मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को सही जगह पर पहुंचाने में मेरी मदद करें। आज 4 अप्रैल 2020 को हम इनको कहीं भी दिखाने में समर्थ नहीं है। मैंने हमारे दीनदयाल में, एक हमारे बड़े भाई साहब, मैंने उनसे भी निवेदन किया, वो भी कोशिश कर रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ किया जा सके, लेकिन कहीं से अभी तक कुछ भी रिपोर्ट हमारे सामने पॉजिटिव नहीं आ रही है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप इसको फॉरवर्ड करते हैं और किसी भी तरीके से ये खबर अगर आप केजरीवाल जी तक, मनीष सिसोदिया जी तक, माननीय मोदी जी तक, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब तक अगर पहुंच जाती है, तो उनके लिए इस सेवा को करना एक सेकंड का काम है। उनके छोटे से एक्शन से ये सज्जन जो इतनी बड़ी तकलीफ अपने घर में बैठकर झेल रहे हैं, इनको ले जाने के लिए भी इनके पास आज कोई साधन या कोई व्यक्ति भी इनके साथ उपलब्ध नहीं है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को सही हाथों में, सही डॉक्टर्स तक, सही हॉस्पिटल तक, सही ऑर्गेनाइजेशन तक या सही राजनेता तक पहुंचाने में मेरी मदद करें, जिससे कि इन व्यक्तियों का समुचित इलाज हो सके। आप यकीन माने, आपकी एक छोटी सी कोशिश एक जान बचाने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। आप यकीन माने, जिस तरीके से कल वो मेरे सामने रो रहे थे, उनकी वो रुदन, उनका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा फिर से निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे हाथों में पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।